माफ कर देना भगवान जी, मेरी उस चिट्ठी को पढ़ के संधीर जी का दिल टूट गया होना है, पर मेरे पास भी और कोई रास्ता ही नहीं था। मैनू माफ कर दे। बीजी, मोगर बेचारी की करे, बेटी की चिंता में वो घुलती मरे। अरे रणधीर कमरे में नहीं है और मैंने परजाई को कह दिया है कि हम रणधीर के कमरे की साफ सफाई कर रहे हैं। ओ कुड़िये, कुछ ऐसा ढूंढ इस कमरे में जो रणधीर की पसंद और नापसंद के बारे में मालूम चले, ठीक है? फिर उसके जैसी बन जाना, जैसा वो कहेगा बिल्कुल वैसे ही कर लेना। अब हम इस कमरे में क्या करने आए हैं? ढूंढने आए हैं और साफ सफाई करने आए हैं। मरवाएगी मैनू। चल तू तू। बीजी इधर आओ, देखो रणधीर ने रांझन को इतनी सारी चिट्ठियां लिखी है। इतनी सारी चिट्ठियां? हाँ। और रांझन ये वही है ना जो ये उल्टी सीधी कहानियां लिखता है, उसके अखबार में छपती है। हाँ हाँ वही। पढ़ पढ़ जल्दी से पढ़ पढ़। वो की लिखा है? इसमें लिखा है कि तुमसे मिलने की गुजारिश है, पर जानता हूँ ना तो तुम मिलोगी ना ही मेरे खत का जवाब दोगी। ये वाली, ये पढ़। इसमें भी वही लिखा है, वही बातें वही गुजारिश। ये पढ़। लो जी, लगता है इस खत में रांझन ने जवाब दे दिया। जवाब? हाँ देखो। ओ पढ़ की हुआ पीछे। रणधीर झूठा रांझन बनकर रेडियो पर कहानियां सुना रहा था ताकि असली रांझन सामने आ सके। वो रांझन को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा है। आगे क्या लिखा है? बीजी, रांझन कोई मुंडा नहीं, कोई कुड़ी है। कुड़ी है? हाँ। पर कह रही है कि मैं तुमसे मिल नहीं सकती, सबके सामने नहीं आ सकती, गुमनामी में रहना चाहती हूँ, वगैरह वगैरह। बस यही सब बकवास लिखी है, छोड़ो। ओए कुड़िये, यही तो सबसे कम की चीज है। रणधीर रांझन से मिलने के लिए बेताब है और रांझन रणधीर से मिलना नहीं चाहती, और रणधीर ने रांझन को कभी देखा ही नहीं है। पर इसमें हमारी गुम की क्या बात है? रब 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 रब। आपका मतलब है कि ओए रब 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 रब। खुश है रांझन से मिलने को, मैं भी इतनी ही बेताब थी रणधीर आपको रांझन के रूप में मिलने को, पर किस्मत को ये मंजूर नहीं है। ये तोहफा भी आपके पास जाने को मेरी तरह बेकरार है रांझन जी। वशमा के रिश्ते की बात कर ली। लड़के वाले देखने आ रहे हैं वशमा को,
लड़का बड़ा नेक और अच्छा है। वो देखो, उदय आज आग बरसा रहा है। लगता नहीं नहीं चोट लगी इसके दिल पे। तुझे कैसे पता है इसके दिल पे चोट लगी है? तेरे भी लगी है क्या? ओ ऐसा गुस्सा तभी आता है। वो तू जानता नहीं अफजल को? हाँ। वो जो सेंटर फॉरवर्ड खेलता है? हाँ। उसकी मशूका जब छोड़ के चली गई थी, हाँ, तो वो भी ऐसे पीट पीट कर बॉल पे गुस्सा निकाल रहा था। ओए, तेरा की मतलब है? वो अपनी मशूका का गुस्सा बॉल पर निकाल रहा है। तो क्या करे बेचारा, अपनी मशूका को किसी और की बाहों में तो नहीं देख सकता ना। वाली टीम में हर खिलाड़ी को अर्जुन बनने की जरूरत है। लक्ष्य के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए, इसलिए हॉकी में ध्यान लगाओ। ना सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि अपनी उस दोस्त के लिए भी जो झूठी खाला बनकर यहां तक चली आई थी, सिर्फ तेरे लिए। जारा, हल्दी पिस जाए ना तो अब्दुल की मदद से ये भंडार घर में रख दे। जी बीजी। जिठानी जी, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत सोनी लग रही है। हाय अल्लाह, आप तो आज बला की खूबसूरत लग रही हैं, किसी की नजर ना लगे। वो क्या है ना, वो मुझे सिनेमा दिखाने लेकर जा रहे हैं। हाँ। और मजे की बात बताऊँ आपको, तमाशा मैं बनाती थी और लोग देखते थे, अब तो मैं खुद लोगों का तमाशा देखने जा रही हूँ जी, है ना मजे की बात? मोकर, मोकर आई जी। गेटर, उच्ची एड़ी वाली जुत्ती दादा के लिए। उड़े लाए। आ गई वो। पहन लो। वैसे इसके मामे ने ना इसको कुछ तो दिया था लपेट चपेट के। थी नहीं बोटे कितने गए? तो आटा सगा बेटा है ना, उसका थोड़े ना। ओए पहना है नू। हाय रब्बा, जी इसमें तो खड़ा रहना भी मुश्किल है। ओए तू फिकर ना कर, मार्केट में जब ये ऊंची एड़ी वाली जूती पहन के चलेगी ना, पूरी मैम साहब लगना है तेनू। मगर
तुझे शायद कुछ और भी बोलना है राधा से। हाँ, मैनू माफ कर दो। हैं? हाथ जोड़ के। छोटी पर जाई, मेरी बेवकूफी की वजह से आप पे बहुत बड़ा इल्जाम लगा, मैनू माफ कर दो। ओ, कोई गल नहीं है जी, है बहन जी, गलतियां तो गलती से ही होती है, क्यों है? सुन लिया तूने? रब रब रब। जा घूमा अपनी पति के नाल। हाँ, जरा कल की आई लड़की के सामने मुझे नीचा दिखाया, इस अपमान का बदला तो मैंने लेके ही रहना है प्राजी। बस होने दो मेरी किरण का रिश्ता रणधीर के साथ। रब रब रब। देखिए, आज आप रंजन से मिलवाने वाली हैं, और मैंने ना रंजन के लिए तोहफा भी ले लिया। अब प्लीज अपना वादा निभाइए और मिलवा दीजिए मुझे उससे। तो क्या रणधीर जी ने वो चिट्ठी नहीं पढ़ी? देखिए, कितना इम्तिहान लेंगे आप मेरे सब्र का। देखिए, अपना वादा निभाइए और मिलवा दीजिए मुझे रांचन से। आपको अपने कमरे में मेज पर रखी चिट्ठियां नहीं मिली? चिट्ठियां? कौन सी चिट्ठियां? वही होंगी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं फिर से जाके देख के आता हूं। चिट्ठियां आप यहाँ? जी, आप ही का इंतजार कर रही थी। वो सारी चिट्ठियाँ जो अब तक आपने मुझे लिखी है, उन्हें लौटाने आई हूँ। लेकिन ये चिट्ठियां तो जी, वो खुशनसीब रंजन जिसे आप ढूंढ रहे हैं, वो रंजन मैं ही हूं। किरण झूठ क्यों बोल रही है? ये तो मेरी चिट्ठियां हैं। आप रंजन हैं? पर मुझे माफ करिए, इस पर्दे को हटाने में मैंने बहुत देरी कर दी। पर आपसे नहीं लिखनी थी मैंने कोई कहानी। मतलब यही वजह है कि आप रंजन को जानती हैं? क्योंकि रंजन तो आपकी बहन है, और इसीलिए आप मुझे रंजन से मिलवाना चाहती थी, है ना? जी जी, बिल्कुल सही कहा जी आपने। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, लेकिन आपने बहुत टाइम लगा दिया, और ये तो कोई बात नहीं। इन्हें बताओ ना अमृत, मामा जी को रंजन के नाम से कितनी नफरत है। उस दिन ये सिर्फ रंजन को सुन रही थी रेडियो पर, मामा जी को बहुत बुरा लगा, आप भी तो थे वहाँ। और अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं रंजन हूं, तो कहीं दिल का दौरा शौरा ना पड़ जाए।
हैरत की बात है ना जी कि रांझन मेरे सामने थी और मुझसे पहचान ही नहीं पाया। अजीब, एक सेकेंड। ये एक छोटा सा तोहफा लेके आया था रंजन के लिए। आशा करता हूं कि आपके पसंद है। सुंदर है जी, पर मैं आपका तोहफा एक ही शर्त पे कबूल करूंगी। जी कहिए। मैं रांझन हूँ, ये बात आप घर में किसी को नहीं बताएंगे। ये बात सिर्फ मुझे, अमृत को और अब आपको ही पता है जी। जी चले अमृत, चल जी तोहफा। ये लीजिए। शुक्रिया जी। चलो अमृत। न जाने क्या हो रहा है, मेरा मन रो रहा है, निशा चेहरे के है, तू दर्पण क्यों दर्पण हो रहा है। किरण, मैंनू पता है तू रांझन नहीं है, तू झूठ बोल रही है। हाँ तो जा, जाके कह दे रणधीर से। पर एक गल सुन कुड़िये, अगर तेरी जुबान खुली तो बन मेरी भी नहीं रहनी है। तुझे याद है ना जब तू रांझन की कहानियां सुनने गई थी, क्या हंगामा मचा दिया था मामा जी ने घर पे। अब सोच, अगर मैं उन्हें जाके बता दूं कि तू रांझन को जानती है, तेरी उससे सीधी बात होती है, तो हाय मेरी बेचारी अमृत का क्या हाल होगा। हुँ? वैसे रांझन की चिट्ठियां पढ़ के पता चला कि उस बेचारी की ना कोई मजबूरी है जिस वजह से वो सबके सामने नहीं आ सकती। वैसे एक बात बता अमृत, कहीं तू ही तो नहीं है ना असली रांझन। कुछ भी, मैं कैसे हो सकती हूँ रांझन भला। हाँ ये गल भी सही है, तू कैसे हो सकती है रांझन, भले एनी चंगी चंगी कहानियां तू थोड़ी ना लिख सकती है। वैसे छोड़, मुझे ना कोई लेना देना नहीं है इस असली रांझन वांझन से। मुझे तो बस ये चाहिए कि रणधीर जी ना बस मैनू पसंद कर ले। तू ना मेरी थोड़ी मदद कर दे, उन्हें विश्वास दिला दे कि असली रांझन ना मैं ही हूँ। हाँ, और वैसे भी अगर वो मेरी हाथों की लकीरों में ना होता तो थोड़ी ना मेरे और उसके पापा जी ने बचपन में हमारा रिश्ता पक्का कर दिया होता। अब मैं उसके लिए झूठी रांझन क्यों ना बन जाऊं, की फर्क पैंदा है।
जल मत ओए। हाय आज तो मजा ही आ गया जी है। कितने प्यार में थे ना वो दोनों, आखिर में मिल ही गए बेचारे। वैसे एक गल दसो जी, ये जो सारे लोग थे क्या वो सचमुच पर्दे के पीछे थे? और नहीं झलिए, पर्दे के पीछे होता नहीं है कोई भी, और ये तो कैमरे से शूटिंग करते हैं। शूटिंग? अगली बार सीधा तेरे को शूटिंग पे ले जाना मैंने। है? हाँ ये छोटी स्टूडियो का मालिक है ना, सड्डा दोस्त है। है? थोड़ी इतनी जान पहचान है सारे नाल। ओ जी ओ। चंगा जी है। अच्छा मनु दस, तेरी नाराजगी कुछ कम हुई कि नहीं हुई? नहीं जी नहीं, शाम तक नहीं मानने वाली मैं। और सुन तू चाट खाई? हाँ। ओए ओए ओए, कपड़े देख बुड्ढे के। बुड्ढे नु छड़ यार, कुड़ी को देख। नसीब है यार पैसे वालों का है। बंदर के गले में मोतियों का हार। नहीं यार, लंगूर के हाथ में अंगूर। ओए मंजीते। ओ मैं बस्ता भूल गया यार, मैं लेके आया हूं। हैं बढ़िया चाट बनाई जी बाबू जी। अभी जी मैंने वो वाला देखा। संभल के चलना नहीं आता तो ऐसी जूती पहनते क्यों हो? अभी सामान गिरा देना था मेरा। ओए तमीज दाल बात कर वरना। नहीं तो क्या क्या बाबू जी? ओए गंदी शक्ल के मुंह फोड़ देना तेरा। तोड़ के दिखा तू। छोड़ो छोड़ो लाला जी, गरीब इंसान है। अच्छा बात करने की तमीज नहीं चाहिए ना इसे। ओ जी मेरी नई वाली जूती कितने गई? ओ जी मैंने देखी जी, उछल के ऊपर की और गई थी जी। वो अटकी पड़ी है। जा उतार के दिखा अब अपनी मेम की जूती। ओए तू रुक, मैंने अभी के अभी ना ये जूती निकाल के ना तेरे मुंह पे मार देना है। जब मर्द बूढ़ा हो जाए ना तो औरत को ही चलना पड़ेगा ना। मैं उतार देता हूँ जी आपकी जूती, ठीक है जी? और रुक जा ए, मेरी वोट्टी की जूती है, दो मिनट में मैंने ही उतार के ला देनी है नीचे। पीछे हट। चोट ना लगा लेना। ओए तू फिकर ना कर, दो मिनट में उतार के ला देनी तेरी जूती। लाला ब्रज किशोर सानी नाम है मेरा। अरे ये बुड्ढा कर क्या रहा है? अरे नई बीवी के सामने कितना दिखावा कर रहा है, कहीं गिर गया तो इस उम्र में हड्डी भी नहीं जुड़नी। तेरी जूती उतार के लानी, उसे पहले नहीं आना मैंने। नहीं जी आप नीचे आ जाओ, चोट चोट लग जानी आपको। नहीं राता तेरी जूती उतार के लेकर आनी है मैंने। नीचे उतरो, आओ आओ तुसी नीचे आओ। जाओ
और बोलना। राधा घोड़े घोड़े लाल लगाम। मैनू कोई भी और रिश्ता नहीं चाहिए वशमा। मैनू सिर्फ तू चाहिए वशमा। ओ मेरा बाऊजी ते ओड़ा दी घरवाली नाल कोई रिश्ता बाकी नहीं रह गया। वशमा मैं खत्म हो जाना। मैनू सिर्फ तेरा प्यार बचा सकता है वशमा, सिर्फ तेरा प्यार बचा सकता है। बचा ले मैनू। नाराज नहीं हूँ जी आपसे। अपने रब से कोई नाराज हो सकता है क्या भला? हाँ आप तो मुझे रस्ते से इन्नी वड्डी हवेली में ले आए, इन्ना चंगा परिवार दिया जी आपने मैनू, और तो और ये उचेड़ी वाली जूती भी दीजी मैनू। आप मुझे टाकीज में ले गए और आप तो सीढ़ी भी चढ़े मेरे लिए। जी आपने इन्ना सब कुछ दिया है ना मैनू कि मैं ना अपने आप को मेम साहब समझने लगी हूँ। सच्ची? हाँ। अरे गल बताओ जी आपको मैं कि मैनू किस बात पे सबसे ज्यादा खुशी हुई है? अपना नाम दिया जी आपने इस बाजीगरनी को। बस एक और रिश्ता दे दो जी मैनू तोहफे में। उदय पुत्र जी के साथ माँ वाला रिश्ता बना दो ना जी। बस उदय पुत्र जी भी मैनू अपना मान ले और कुछ नहीं चाहिए मैनू। सच्ची? ओए ओए क्या है? ओ बड़ा शौक चढ़ा तेनू व्याह करांदा है? ओ एक काम कर, जाके कबूल है बोल और जाके दूर जाके मर जा कोई। मैं मर गई तो जी पाएगा? हाँ जी लूंगा। अब मेरी मेरी कौन सी सांसें अटकी हुई है तुझमें? ओए अगर मेरे मरने जीने की तेरे को इतनी फिक्र ही थी तो क्यों बोला तूने? हाँ क्यों बोला? गुस्से में थी, जो जी मैं आया कर लिया। ओ तेरे इस गुस्से ने पता है क्या करना है? पता है तेरे को इस गुस्से ने क्या करना है? बेग मंजिल में ना तेरी बारात बुलवा लेनी है और मेरे को बोलेंगे तू है खास, तू बांटेगा पूरी हलवा और छोले। हाँ हाँ कि अब मैं तो कहूंगा जी हलवा बहुत चंगा बना है जी, पूरी खाऊंगे पूरी खा लो जी। हाँ और मिठा चे बहुत बढ़िया कुछ बने हुआ, पानी पिला दूं जी आपको? पानी पिला दूं? वशमा मैनू एक गल दस, जी अगर वो कल आ गया, उसने तुझे देखा, तुझे पसंद करके गया, फिर क्या होगा? अब इतनी सोनी कुड़ी को देखेगा और पसंद नहीं करेगा, पता है?
अगर मैं फिल्मों में होती ना तो टिकट लेके देखना पड़ता, और अब तो मैं ही उसके सामने। क्यों जाना तूने उसके सामने? क्यों जाना तूने उसके सामने? कोई नहीं जाएगी तू उसके सामने। और वो होता कौन है? होता कौन है वो तेरे सामने? कोई नहीं, अभी तो कोई नहीं होता, पर एक बार देखम दिखाई की रस्म हो गई ना तो बहुत जल्द बहुत कुछ हो जाएगा वो मेरा। पर सो आ रहा है वो मुझे देखने, रोक सकता है तो रोक ले। ओए अगर मैं परसों रोकूंगा ना उसे, उसने तरसो आना है। ओए एक बार जो रिश्ते की बात चली है उसने रुकनी कहा है ना, अगर परसों नहीं आया तो बरसों नहीं आएगा। परसों वो 2 महीने के लिए रंगून जा रहा है, उसके बाद बला किसी ना किसी तरह टल ही जाएगी। ओए ओए सच्ची? तो ठीक है, वो नहीं ले जाने देना हो तुझे किसी को, किसी को बार है वशमा जो तुझे मेरे करके किसी भी तरह का दर्द सहना पड़ रहा है। मैं वादा करता हूं तुझसे कि आज के बाद तुझे किसी भी तरह के दुख तकलीफ या दर्द नहीं सहना पड़ेगा। मैंने तेरा साथ कभी नहीं छोड़ना वशमा। उदय को उसकी वशमा से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। नहीं लेके जाने देना ओए तुझे, नहीं लेके जाने देना। हे भगवान जी, मैंने मान लिया है कि रणधीर मेरा नहीं हो सकता। अब उसे बार बार मेरे सामने मत लाइए, मेरी और परीक्षा मत लीजिए, मैं अपने दिल को संभाल नहीं पाऊंगी। भोग चढ़ा देता जी? जा खाना परोस दे और गरम गरम रोटियां दे दे। जा है?
छाड़ो अनु, पर सिर्फ सच पे नहीं, वो कई बार झूठ पे भी ना जिंदगियां खड़ी हो जाती हैं। एक बार रणधीर राय ज्यादा तेनु पसंद कर लेना और तेरे नाल व्याह हो जाए और सारी गल ही खत्म हो जानी है। वो फिर ओनु पता भी चल जाए कि तू रांझे नहीं है, की फर्क पैंदा है बेचारा है, तेरे नाल कोई उल्टे फेरे थोड़े ना ले लेना है। हाँ रणधीर पुत्र, एक दो दिन में मैंने तेरे बाबूजी को बुला लेना। अब तू अपना फैसला मुझे नहीं बता सकता, पर कम से कम अपने बाबूजी को तो बता ही सकता ना। वो मैं नहीं जानता थोड़ा क्या फैसला है, पर हमारी किरण बाला ना बड़ी चंगी कुड़ी है। मेरे ससुराल वाले इसकी तारीफ करते थकते नहीं, वो तो हमने हानि की, वरना हर दूसरे दिन इसका कोई ना कोई रिश्ता भेज ही देते हैं वो लोग। भाई सबसे ज्यादा मायने रखती है जुबान, जो रणधीर के बाऊजी ने किरण के बाऊजी को दी है। किरण के हाथ पीले हो जाए तो फिर अमृत के बारे में सोचना है। हालांकि कलेजा फटता है मेरा अमृत की विदाई के बारे में सोच के, पर क्या करें जी, जवान बेटियों को सारी जिंदगी घर में तो नहीं बिठाया जा सकता ना। बहुत खुशनसीब होगा वो बंदा जिसका ब्याह अमृत के साथ होगा, रब चाहे भी तो ऐसी बेटी किसी को नहीं दे सकता। जिस दिन से डॉक्टर ने मेरा मीठा बंद किया ना, उसी दिन से इसने मीठा खाना छोड़ देता है। मतलब आपने अपने बाबूजी के लिए मीठा छोड़ दिया? मीठा तो बड़ी छोटी चीज है, अपने बाबूजी के लिए पसंद की कोई भी चीज छोड़ सकती हूँ। बीजी, अमृत ने कहीं कुछ कह दिया तो? वो ना अपने बाऊजी से बहुत प्यार करती है, उनका दिल नहीं दुखाएगी। फिर भी बीजी बहुत डर लग रहा है मैनू, कहीं मेरा झूठ मेरे पे उल्टा पड़ गया तो? बिल्ली के भाग में छिछे टूटिया है, और रब 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 तो इधर उधर ना देख, तू सिर्फ मक्खन और मलाई खा और डकार मार ऐसे, समझी? अरे तेरे को कब आएगी अकल, तू चुप रह, और तू सिर्फ ना रणधीर रायजादा के ख्वाब देख, बाकी मैं देख लूंगी। रब 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 रब। नहीं बस बस बस। अच्छा जी, इजाजत। बस पुत्र, तूने तो ठीक से खाया ही नहीं कुछ। जी लाले जी, जी अच्छे से खाया, वो अखबार के लिए कुछ लिखना भी है। ठीक है, चलता हूँ। जा अमृत, हाथ धुला दे, तौलिया दे दे, जा।
शुक्रिया। साढ़ा हो गया मम्मी जी, अब आप भी खा लो। हाँ बस वीर जी और राधा आ जाए, फिर हम औरतों ने भी खा लेना है। ज्यादा मत सोच समझी। ओ जी आराम नाल, मैं ना आपके लिए हल्दी चंदन का लेप बनवा देती हूँ। है क्या हुआ प्राची? ओए आराम नाल, ओ की हुआ प्राची? वो ब्रिजू है किया? ओ जी वो क्या है ना, मेरी ना वहाँ पर ना चप्पल वहाँ पर अटक। ओ कुछ नहीं प्राची, वो मेरे नाल एक छोटा सा हादसा हो गया। कुछ नहीं हादसा, बाकी मैं ठीक हूँ। हल्की सी मुंह चाहिए, कपड़े बदल के होना आया। हाथ मुंह तो क्या राजरानी है जी, तू खाना ला दे वास्ते। मानू गल सुन यार, तू तो ठीक है ना? जी जेठानी जी मैं ठीक हूँ। चल हाथ मुंह धो के आ जा, फिर खाना खाते हैं। ठीक है जी, जा। आई जी। हाँ आपको मालूम है, मैंने ना एक बहुत बढ़िया ना खेल देखा जी। बताओ, एक मदारन ते एक बंदर दा खेल। ओ जी मदारी को खुश करने के लिए ना जी बांदर ने पहनी रंगीन टोपी, बेढंगे कपड़े और जी नाचने लगा बाजार के बीचों बीच सरेआम। ओ जी सच्ची, ओ जी फिर क्या होना था? ओ मदारी के एक इशारे पर उसकी चप्पल लाने के लिए जी चढ़ गया ऊंचे छज्जे पर और खाता चला गया जी गुलाटिया। मदारी खुश था, लोग मजे कर रहे थे, हंसी ठट्ठा हो रहा था जी। और जी इतना इतना खुश मैंने लाहौर को मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन बंदर उल्टा लटका हुआ था, मदारी तो बहुत खुश था। अरे रब रब रब, आयो दे पुत्र, मुझे भी ऐसे खेल देखने में ना बड़ा मजा आता है। वो बता ना मदारी कित्थे है? ओहो बुआ जी, बुआ जी माफी, मदारी नहीं जी, मदारन मदारन। ओ जी ऐसी मदारन जिसके एक इशारे पर ना अच्छा खासा इंसान डमरू पे नाचने वाला बंदर बन जाए। काश खामोशी दीवी कोई जुबान होती जो समझ आ सकती, फिर ना किसी झूठ ने सच बनना था ते ना किसी सच ने झूठ लगना था। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.